सी द सेकंड टॉपिक इज हमने कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर एट में Alkyns को भी कहते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन वर्ड ओलिफिन मींस ऑयल फॉर्मिंग ऑयल फॉर्मिंग हमने एक डिफरेंस बायोलॉजी में पढ़ा है कि ऑयल में मल्टीपल बोंड्स होते हैं यानी डबल बॉन्ड होते हैं और गी में सिंगल बोंड ऑयल को कहते हैं अन सेचूरेट गीज सेचूरेट तो चूंकि अल्किन्स में डबल बॉन्ड है ये ऑयल फॉर्मिंग कहलाते हैं इनके लोअर मेंबर्स हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ऑयल्स बनाते हैं सो दे रिएक्ट विद हेलोजेंस इन दे फॉर्म ऑयल्स इन्हें ओलिफिन ऑयल फॉर्मिंग कहते हैं इनका जनरल फॉर्मूला एन एच टू एन है जबकि अलके सी एन एच टू एन प्लस टू था ये सी एन एच टू एन और लाइक अगर आप कहकर ब्यूटीन इथीन, इथीन में दो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे टू इन टू फोर होंगे सी टू एच फोर ये इथिन का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से हाउ टू प्रिपेयर अलखीन्स हम थ्री मेथड्स आज पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन की मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम थ्री टू तो फोर रिएक्शंस पढ़ेंगे सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल तो ये सारे के सारे आपने कंसेप्चुअली समझते हैं आपके फिर भूलेंगे नहीं इस वर्ड हेडिंग ऑब्जेक्ट ले डीहाइड्रो डीहाइड्रो मींस हाइड्रोजन रिमूव करना हेलोजन रिमूव करना, अल्काइल करनाइट से अल्काइल हेलाइट ये है एक अल्काइल हेलाइट में एक अल्काइल हेलाइट शो कर लेता हूँ सपोज ये ब्रोमीन शो कर ले आप क्लोरीन शो कर दें कोई भी हेलोजन शो कर दें बाकी सारे के सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये एक अल्काइल हेलाइड है ये जब एक अल्कोहल की प्रेजेंस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए रिएक्शन क्या होगा पोटाशियम केटाइन है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा ओएच वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सॉरी ओएच एच के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा जब इस कंपाउंड जो कि मैंने शो किया हेलाट इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डी हाइड्रो क्या हेलोजन रिमूव होगा तो दो डी हेलोजनेशन बन जाएगा ये जो बॉन्ड्स बना रहे थे दोनों उन बॉन्ड्स को आप देख ले ये जो बॉन्ड बना रहे हैं इन बॉन्ड्स को मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शो करता हूँ ये बॉन्ड जो बना रहे इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है अगला इलेक्ट्रॉन अगले एलिमेंट का होगा जो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएंगे अपना सामान लेकर से होंगे अगली तरफ क्या बनेगा एक तो आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते के बी आर बनेगा अगला क्या बन रहा है एच टूओ वॉटर बन रहा है साथ ही ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के अपने हैं इलेक्ट्रॉन आकर और ये इलेक्ट्रॉन आकर या एक और बॉन्ड बना देंगे ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा तो कंपाउंड इस तरह से होगा कार्बन विद कार्बन हाइड्रोजन 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 ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक और बॉन्ड बना रहे वो बॉन्ड ये होगा ये बन जाएगा इथीन एक अलखीन बना रिएक्शन को अपने कंसेप्चुअली समझना है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक और बॉन्ड बना रहे तो इथिन बन जाएगा के बी आर के साथ मिल रहा है एच टू ओ चूंकि से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है हेलोजन रिमूव हो रहा है तो आप इसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहेंगे और ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है यह अल्काइल हेलाइट नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स डिहाइड्रा हाइड्रा जब रहो डिहाइड्रो इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डिहाइड्रो मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डिहाइड्रा मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर ठीक है एल्कोहल में से वाटर का निकलना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एल्कोहल में से वाटर निकालने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड या एसिड आपने ये नाम याद रखने हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से यूज़ किए जा सकते हैं एक एम पॉइंट हो सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड अभी हम इसके डिटेल्स पढ़ेंगे नंबर टू फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसकी आप डिटेल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एच थ्री पीओ फोर इनमें से कोई भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके एल्कोहल में से वाटर निकाल करके इसे कैसे अल्किन में कन्वर्ट करते हैं अब देखते हैं मैकेनिज्म सपोज ये एक अल्कोहल है मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ बाकी आपने हाइड्रोजन शो करने हैं यह पर हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसमें से वाटर रिमूव होगा जो रिमूव होगा पार्ट उसे मैं पिंक से शो करता हूं ये और ये रिएक्टिव पार्ट का जो बॉन्ड है इसे मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शो करता हूँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्रू आउट से शो हूँ सही है बाकी दोनों के बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे इस कंपाउंड में से जो कि एक एल्कोहल है इसमें एच टू ओ रिमूव होगा एच अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ओ OH एच अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ये दोनों जाकर क्या बनाएंगे डेफिनेटली वाटर बनाएंगे इन्होंने वाटर बना दिया जो पीछे कंपाउंड था आर सी एच विद सी एच विद एच, विद एच. इसमें क्या चेंज आएगा कार्बन के ये दो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए ये मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे ये बन जाएगा एक डबल बॉन्ड एक अल्कीन बन गया तो एल्कोहल्स में से वाटर निकाल करके आप उन्हें अल्किस में कन्वर्ट कर सकते इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड हाई टेम्परेचर दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी टर्शरी अल्कोहल्स, अल्कोहल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू से वो होते हैं पहले आपनेल्कोहल्स का फर्क समझना है प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है टर्शरी क्या है एक प्राइमरी एल्कोहल है प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल्स पहले ये डिफरेंस आप देख लें व्हाट प्राइमरी कार्बन अगर एक कार्बन के साथ ओएच लगा है और ये कार्बन एक और कार्बन के साथ बॉन्डेड है एक और कार्बन के साथ बॉन्डेड है, है ये कहलाएगा प्राइमरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल इसमें बाकी सारे के सारे डेफिनेटली हाइड्रोजन होंगे हाइड्रोजन 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 जिस कार्बन के साथ ओवच OH लगा है अगर इसके साथ दो कार्बन और बॉन्डेड हो लाइक ये एक कार्बन ये है एक कार्बन ये है, ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल ऊपर कौन सा था प्राइमरी एल्कोहल साथ उसके साथ एक और कार्बन बॉन्ड दो तो प्राइमरी जिसके साथ लगा है उसके साथ दो और कार्बन दो तो सेकेंडरी अब देखते अल्कोहल क्या होगा एक ऐसा कार्बन जिसके साथ लगा है और इसके साथ यह कार्बन यह कार्बन और ये भी कार्बन है आर भी कार्बन को शो कर रहा है तो ये होगा अल्कोहल मैं यहां पर भी सी शो कर लेता हूं तो एक ऐसा अल्कोहल जिसमें वो खार्बन जैसे ओवचो तीन और खार्बन के साथ बॉन्डेड हो ये बन जाएगा अल्कोहल हम ये कह रहे हैं कि टर्श्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है टर्श्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी एल्कोहल से वो रिएक्टिविटी हमें हम कैसे पता चलेगी अब आप ये रिएक्शंस देख लें जब प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन होगा और उसमें से वाटर हम रिमूव करेंगे और एक अल्खीन बनाएंगे तो 75 परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए 140 से 170 तक 75% एसिड का मतलब यह कि इसमें 75% एसिड है, परसेंट डाइल्यूट किया पानी डाला कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है अब यह रिएक्शन लेके कैसे होगा यह रिएक्शन इस तरह से होगा कि ये एच ओ एच पानी बना देंगे ये अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स छोड़ कर जाएंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एच ओ एच आर से जब रिमूव होंगे ये बनाएंगे वॉटर प्लस पीछे कंपाउंड क्या रह जाएगा आर सी एच सी एच एच वो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे अल्किन बन जाएगा तो इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो यही रिएक्शन होगा यही रिएक्शन होगा सिर्फ फर्क क्या है फर्क यह है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सिक्सटी परसेंट चाहिए लेस कंसनट्रेटेड चाहिए और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है तो स्लाइटली लोअर टेम्परेचर इसलिए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसके लिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल नहीं करना बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी प्रोवाइड नहीं करनी अब रिएक्शन देखिए ये होगा वाटर इससे रिमूव होगा और या के इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बना देंगे सेम रिएक्शन देखिए आर आर सी एच सी एच सी एच एच एक जगह ये डबल बॉन्ड बन जाएगा प्लस वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा so, अगर में किसी ने पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल 75 परसेंट सल्फ्योरिक एसिड की प्रेजेंस में एक अल्कीन बना रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल 60 परसेंट सल्फ्योरिक एसिड रिक्वायर करके अल्कीन बनाते हैं टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है ये टर्शरी अल्कोहल ये सिर्फ ट्वेंटी परसेंट एसिड की प्रेजेंस में और एटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये एक अल्कोहल बना सकता है ये एक अल्कन बना सकता है दशरी अल्कोहल्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी रिएक्टिव क्यों है प्राइमरी से ही आप अल्कोहल के टॉपिक में पढ़ेंगे ठीक है इसमें चार्ज डेंसिटी कार्बन की और ओ की बढ़ जाती है तो लेट्स सी ये कंपाउंड कैसे बनेगा ऊपर कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन नीचे कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन आप कोई एक सेलेक्ट कर ले लाइक मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ये हाइड्रोजन जो कि वाटर के फॉर्म में यहां से रिलीज होगा तो जब ये वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इसमें आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन शो कर ले रेड कलर में ओ एच का इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर में वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर में तो एच ओएच निकल कर यार से वाटर बना देंगे प्लस इस कंपाउंड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलकर एक डबल बॉन्ड बना देंगे ये और ये ये मिलकर एक डबल बॉन्ड बना देंगे स्ट्रक्चर का बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एच एच ऊपर सी एच थ्री एन इट इज अगेन कार्बन विद सी एच थ्री तो जो कंपाउंड पहले सेचुरेटेड था सिंगल बॉन्ड्स वाला था उसमें अब डबल बॉन्ड बन चुका है तीनों का मैकेनिज्म सेम होगा So, अब तक की प्रिपरेशन की दो मेथड्स क्या है फर्स्ट डीहाइड्रो डीहाइड्रोहेशन ऑफ अल्काइल अल्काइल में से हमने हाइड्रोजन रिमूव रिमूव किया किया ने पोटासम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एल्कोहल्स को आप डिहाइड्रेट करके अल्किस बना सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट एल्यूमिना हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है फॉसफोरस पेंटाऑक्साइड हो सकता है फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा कि तृतीय अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी अल्कोहल से अब एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स डीहेलोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हेलोजन विसिनल का क्या मतलब है विसिनल मींस नेबरिंग विसिनल मींस नेबरिंग अगर दो नेबरिंग हेलोजन ब्रोमीन है या ब्रोमीन है दो हेलोजन साथ साथ है तो ये विसिनल होंगे दो हेलाइट डाई तो हेलाइट बाकी हर तरफ आपने इसमें हाइड्रोजन मेंशन करना है हाइड्रोजन 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 हैडुजन, ये रिएक्ट करते जिंक के साथ अब जिंक जो है इन दो के साथ रिएक्ट करेगा ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ दोनों ब्रोमींस जब याद से शिफ्ट होंगे रिमूव होंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर जाएंगे इनकी इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और कार्बन की जो दो इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाएंगे ये ऊपर एक डबल बॉन्ड बना देंगे ये स्ट्रक्चर जो पहले अल्केन के फॉर्म में था अल्काइल हैलाइड था अभी एल्कीन बन जाएगा तो देखिए रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे जेड एन बी आर टू बनेगा क्लियर है बाकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा सी एच थ्री पहला कार्बन दूसरा कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन इन दो कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन

ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ये तीन रिएक्शन देखिए साथ साथ पीछे आपने देखते जाना है और ये वैसे देख कर याद नहीं होंगे इसे डेली आपने लिखना है हर रिएक्शन एटलीस्ट फोर टाइम्स लिखेंगे तब आपको जुबानी याद होंगे आपने एंट्री टेस्ट में लिखना नहीं है मगर एटलीस्ट आपको हेडिंग्स भी याद होने के लिए इनकी प्रैक्टिस करनी होगी सो दिस ब्रेक एट फोर फिफ्टीन आल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्लास ऑफ बायो